धन्यवाद। सभापति महोदय, मांग संख्या 21 सड़क और पुल पर बोलने का आपने मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। सब साथी सड़क मांग रहे हैं, कोई जइए नहीं है, न एक्शन नहीं मांग रहा है ही नहीं। मेरे तो जइए न उधारा है, ये न रिटायर हो गया, एक्शन कोई है। लेकिन एक जइए दो तहसील, फिर हम उम्मीद करें कि सड़क की गुणवत्ता ठीक हो, बताएगा कौन सड़क कहां से कहां। इसलिए मैं सारे शासन का ध्यान, पूरे राजस्थान में यही स्थिति है पीडब्ल्यूडी की। इसलिए जो डाक बंगले की बात आई है, सर्किट हाउस की बात आई, उनकी स्थिति भी इसी लिए, कोई गौर करने वाला ही नहीं। उसके बाद मैं एक लोसल से रतनगढ़ वाया सालासर राज्य राजमार्ग संख्या 92/7 जिसकी लंबाई 79 किलोमीटर है, जो पीपी मोड पर बन रहा है, स्टेट हाईवे पर बाईपास रिलाइनमेंट टोल प्लाजा निर्माण की भूमि का अधिग्रहण किया गया है, लेकिन बाकी जगह से बिना भूमि अधिग्रहण के किसानों की बेशकीमती जमीन, खातेदारी जमीन छीन करके हाईवे निर्माण हो रहा है। किसानों का लंबे समय धरना भी चला है। इसलिए मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किसानों के साथ न्याय करें, उनका जो भी मुआवजा बनता है तुरंत भुगतान करा करके सड़क का काम पूरा करें। भविष्य में भी पीपीपी मोड पर जो सड़कें बने उसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं आए, उससे पहले उनके समाधान करने की कोशिश करें। सभापति महोदय, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए ये मांग मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि बादरा में एक ओवर ब्रिज या अंडर ब्रिज की मांग चल रही है, पीडब्ल्यूडी तक उसकी बात भी पहुंचा दी गई है और रेलवे मंजूर कर रहा है C-65 पर फौरन वो ओवर ब्रिज या अंडर ब्रिज बनाने का काम करे, ताकि जनता को बादरा से सावा रोड पर आसानी हो सके। मैं एक ध्यान ये भी आकर्षित करना चाहता हूं कि कई बार जब 5-10 आंगल बरसात होती है तो भी अंडर ब्रिज जो रेलवे के बने हुए हैं, जिसमें पीडब्ल्यूडी भी साथ लेकर के बनाए हुए, वो 5 आंगल बरसात में ऐसे डूब जाते हैं कि वहां आधे आधे दिन, एक एक दिन या डेढ़ डेढ़ दो दो दिन तक लोग उसमें से निकल नहीं सकते, लोगों के रास्ते बंद हो जाते हैं। इसलिए इस ओर स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है कि जहां भी हम और अंडर ब्रिज बनाएं तो उसको कवर्ड करके बनाएं, ताकि बरसात का पानी उसके अंदर से नहीं जाए। मैं मेरे इलाके की कुछ ऐसी सड़कें हैं जिनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जो काफी दिनों से टूटी हुई जर्जर है। और एक छोटा सा निवेदन मैं यह भी करना चाहता हूं, सदन में पिछले 4-5 घंटे से चर्चा चल रही है, 2018 में जब विधानसभा के चुनाव से पहले स्वीकृतियां हुई पत्थर लगे सड़कों के, उन सड़कों पर भुगतान वित्तीय स्वीकृति बिना पत्थर लगा दिए गए, ये बात आज सदन में खुलासा होनी चाहिए। या फिर वित्तीय स्वीकृति होने के बाद वित्तीय प्रावधान नहीं था, वो सड़कें मंजूर हुई, 8-8, 9-9 सड़कें विधानसभा क्षेत्र में मंजूर हुई, वो सड़कें अभी तक लटकी पड़ी हैं, वो पूरी नहीं हुई। ऐसी परिस्थिति किस हिसाब से की गई, या तो इलेक्शन में जाते वक्त लोगों को यूं बेवकूफ बनाने के लिए की गई, आज मैं समझता हूं माननीय मंत्री महोदय इस बात को क्लियर करेंगे। मैं मांग कर रहा हूं कि भीड़ से भादरा से खचवाना और अमरपुरा से अजीतपुरा शिवदानपुरा गडरा रोड और कुजी से कणाऊ, भादरा से गंगा सिंहपुरा, पचारवाड़ी से मोमनवास, मलखेड़ा से जोगीवाड़ा, मलखेड़ा से न्यांगड़, बिरान से छानीबड़ी, महराणा से चूड़ी वाया हरियाणा, उत्तराबाद से मोटसरा, पचारवाड़ी बस स्टैंड से मुख्य सड़क तक सड़कें जो टूटी हुई हैं इनको ठीक करने का काम प्रशासन करेगा। रामगढ़ से उज्जवलवास सड़क के पुनर्निर्माण की मांग करता हूं और डोबी से भांगवा सड़क के पुनर्निर्माण की मांग करता हूं। सभापति महोदय, मेरे वहां मेला भरता है गोगा मेडी का, उससे ददरेवा भी मेला है, ददरेवा तक की सड़क के लिए एक बार सर्वे भी हुई थी, लेकिन अभी तक वो सड़क का निर्माण नहीं हुआ। मैं मांग करता हूं कि गोगा मेडी से ददरेवा तक सड़क बने, गोगा मेडी से उज्जवलवास दीपलाना, गोगा मेडी से ढीकी तड़के तक की सड़क का निर्माण करवाने का काम करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि भादरा से सावा और भादरा से जासल और भादरा से लुदेसर रोड, ये सड़कें जो काफी पहले बनी हुई हैं, इन सड़कों के चौड़ाईकरण का और इन सड़कों के पुनर्निर्माण का काम करेंगे, भादरा के डाक बंगले की मरम्मत करवाने का काम करेंगे। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पूरा राम चौधरी।